हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो पर। और आज मैं परवल की सब्जी बनाऊंगी जो बहुत अच्छी बनेगी। और इसे मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लूँगी। इसमें बहुत सारे कीटनाशक छिड़की जाती है और बहुत इधर उधर का भी गंदगी होती है, इसलिए इसे अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लेनी चाहिए। और देखिए, मैंने इस सारे को धो लिया है और इसे मैं अच्छे से कट कर लूँगी। ये देखिए, ये बहुत सुंदर दिख रहा है और ताजी ताजी भी है। और मैं इसे थोड़ी सी तिरछी कट करूँगी जो दिखने में अच्छी होती है, स्वाद तो वैसी ही आती है। देखिए, इस तरह से मैंने तिरछी तिरछी कट कर ली है और इसी तरह से मैं सभी को कट कर लूँगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और इसका फ्राई भी अच्छी बनती है। और ऐसे ऐसे चीज तो अच्छे लगते ही हैं, हरी साग सब्जी। देखिए, मैंने यहाँ पर लहसुन छील लिया है, इसे मैं आज सिलबट्टे से पीसूंगी क्योंकि हमारे यहाँ आज लाइट नहीं है तो। और मैं जब जार से पीसती हूँ तो मैं लहसुन को छील कर नहीं लगाती क्योंकि वो तो पीस ही जाता है और सिलबट्टे में ज़्यादा घिसना पड़ता है इसलिए। और यहाँ मैं सिलबट्टे को अच्छे से धो लूँगी। देखिए, और मैं इसमें ज़्यादा नहीं पीसती तो ये यहाँ पड़े रहता है। और थोड़े थोड़े पानी डाल डाल कर देखिए इसकी मदद से हम इसे पूरी तरह से पीस लेंगे। और ये छिला हुआ होता है लहसुन तो इसमें जल्दी पीस जाता है। और मेरी मिर्ची भी बहुत सूखी है तो वो भी जल्दी पीसा जा रही है। हल्के हल्के पानी डाल डाल कर इसे अच्छे से पीस लेंगे। और इसमें मैं जब चीला बनाती हूँ तो कभी कभी लाइट नहीं होता है तो मैं उस चावल को भी इसी में पीसती हूँ। और जब चटनी, हम धनिया की चटनी बनाते हैं तो मैं सिलबट्टे से ही पीसती हूँ और मिक्सर की चटनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं चटनी बना मिक्सर से कभी नहीं बनाती। और ये इस तरह से दो बार तीन बार पीस लेने से बहुत अच्छी तरह से, देखिए ये अच्छी हो चुकी है मेरी। और इसे मैं उठा लूँगी। देखिए, मैंने यहाँ अपना कढ़ाई चढ़ा लिया है और मैं कढ़ाई को थोड़ी देर गर्म होने दूँगी। उसमें मैं प्याज काट लेती हूँ और मैं थोड़ी कढ़ाई हो तो मैं टमाटर भी काट लेती हूँ, कभी प्याज भी काट लेती हूँ और उधर कढ़ाई को चढ़ा देती हूँ कि वो अच्छे से गर्म हो जाए इसलिए। देखिए, मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है और इसमें मैं तेल डाल दूँगी। और देखिए, तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें मैं ये परवल डाल रही हूँ और इसे दो तीन बार हिला हिला कर चलाती रहूँगी जब तक ये अच्छे से ना भून जाए, अच्छे से ना तल जाए। और वहाँ मैंने प्याज फ्राई करने के लिए देखिए रखा है, प्याज और चने हैं तो मैं उसे बार बार मिलाती रहूँगी। और इसे भी मैं बार बार चला चला के इसी तरह से मैं इसे अच्छे से तल लूँगी। और इस परवल सब्जी को मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं इसी तरह से तल के ही बनाती हूँ, नहीं तो इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता। नहीं तो मैं ज़्यादातर इसे फ्राई करती हूँ, आलू एक दो पीस दे देकर, और वो भी अच्छा लगता है फ्राई। और इसमें ज़्यादा तेल भी होता है सोचकर इसे ज़्यादातर नहीं बनाती हूँ। और मैं आलू भी मैंने पहले से उबाल रखा है, उसे भी मैं इसके बीच में ही छीन लूँगी।
और इसे हिला हिला कर अच्छे से पलटा पलटा कर पूरे सुनहरे होने तक तल लूँगी। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से सुनहरी हो चुकी है मेरी। अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसी तरह से मैं सभी को अच्छे से तल लूँगी और एक थोड़ी थोड़ी करके मैंने तला है देखिए, और मैंने इसमें तेल भी कम डाला है, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके ही तलूँगी। और ये मेरी प्याज की सब्जी हो गई है। अब मैं इसमें चावल के लिए पानी चढ़ाऊँगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर चावल बनाऊँगी। तो देखिए मैंने इसी तरह से सभी को अच्छे से मैंने तल लिया है सभी को। और यहाँ मेरी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है और मैंने चावल भी डाल लिया है मेरे पानी में। और मैं इसमें अब थोड़ा सा सरसों डालूँगी, और सरसों तो हर साग में ही डाला जाता है और इसका स्वाद भी अच्छा आता है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और इसे अच्छे से सुनहरे होने तक भून लूँगी। और इसे बार बार हिलाते रहने से थोड़ी लेट में होती है पर अच्छी हो जाती है। और मैंने बताया भी था कि हम बहुत ज़्यादा प्याज खाते हैं, तो मैं किसी भी सब्ज़ी में प्याज डालती ही डालती हूँ। और कुछ भाजी हो या कुछ सब्जी हो उसमें भी मैं प्याज डाल देती हूँ। और मैं यहाँ दोनों तरफ खाना बना रही हूँ तो मुझे दोनों एडजस्ट करना पड़ रहा है देखिए। और मैंने अपना मसाला जो पीसा था वो मैं डाल दी हूँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा तो मैंने आधा डाला है। और देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से फैला फैला कर इसे भून लूँगी। ये देखिए अच्छे से भून जाएगी, और गैस में तो कम ज़्यादा होता है तो ये और भी अच्छा होता है साग सब्जी। और यहाँ मैंने टमाटर को देखिए कट कर लिया है। और इस परवल सब्जी को अगर बिना तले बनाए जाए तो ये बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता। तो हम कभी कभार बनाते हैं तो थोड़ी मोड़ी तेल की फिक्र ना करते हुए हम तल के ही बना लेते हैं। और यहाँ देखिए मैंने आलू पहले से उबाल के छील कर रखी थी, और इसे हाथों की मदद से मैं इसे अच्छे से मसल दूंगी, जो छोटा छोटा टुकड़ा भी होगा और छोटा छोटा पीस पीस भी रहेगा तो ये अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा नहीं मसला है, वही हिसाब से मैंने इसे मसल दिया है। मैं इस टाइप के सब्जी में मसाला भी कम डालती हूँ, और हम लोग कम ही मसाला खाते हैं। और मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है देखिए, और इसके बाद मैं कलर मिर्च थोड़ी सी डाल दूँगी और हल्दी। हल्दी और कलर मिर्च को मैं टमाटर डालने के बाद ही डालती हूँ। और मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, और इसे अच्छे से ढक ढक कर पकाती रहूँगी जब तक ये टमाटर अच्छे से गल ना जाए। और यहाँ देखिए मेरा टमाटर अच्छे से गल चुका होगा, ये देखिए बहुत अच्छी से तरह से भून गया है मेरा मसाला भी और साथ में टमाटर भी। देखिए ये मैं इसे और थोड़ी देर ढक ढक के पका लूँगी ताकि थोड़ी बची हो वो भी अच्छे से गल जाए। देखिए अभी मैं पूरी तरह से गल चुका है। अब मैं इसमें पहले आलू ऐड करूँगी, और मैंने पहले ही बताया था कि मैं किसी भी सब्जी में गर्म पानी डालती हूँ, तो मैंने वहाँ पर मैंने गर्म पानी भी करके रखा है। और यहाँ देखिए मेरा मसाला और टमाटर दोनों अच्छे से गल चुका है, बहुत अच्छी तरह पक चुकी है। अब मैं इसमें आलू ऐड करूँगी
इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी देखिए। और गैस में कढ़ाई चढ़ाने से एक हाथ से ना पकड़ो तो ठीक से हिल मिलाते बनती ही नहीं है, थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। तो मैंने इसे हाथ में पकड़ के अच्छे से मिला लिया है और इसमें मैं अब परवल ऐड कर दूंगी और इसे भी अच्छे से हाथों से पकड़ के मिक्स कर लूंगी। और आप जितना भी चाहो पानी डाल सकते हो या फिर इसे सूखी भी इसी तरह से हल्के से पानी डालकर डाल सकते हो। और ये मैंने गर्म पानी रखा था वो मैंने डाल दिया। और हमारे बच्चे लोग इसका रस्सा ज़्यादा खाते हैं तो मैं इसे थोड़ी रस्सा बनाऊंगी। और इसे आप अपने तरह की जैसी भी बना सकती हैं। और यहाँ देखिए मेरे अच्छे से पक चुकी है, इसे मैं बस और थोड़ी देर पकाऊंगी, उसके बाद ये हो जाएगा। और आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।